फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं ट्रेंड्स बाय तारी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपको इतनी ढेर सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि कुछ आज की वीडियो में स्पेशल होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने जा रहा है। और मैं जब इस वीडियो की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जल्द अज जल्द अपनी वीडियो के इस टॉपिक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये कॉमन यूज़ होने वाली सोप नज़र आ रही है जो हर घर में इस्तेमाल की जाती है और हमारी ग्रोसरी का एक बहुत अहम पार्ट है। हर घर में मुख्तलिफ तरह की सोप्स आती हैं, कोई किसी कंपनी की लेना पसंद करता है, कोई किसी कंपनी की लेना पसंद करता है। लेकिन कितनी अजीब और मज़े की बात है कि घर में अगर 6 से 7 अफराद हैं तो हमने कभी भी हर शख्स की स्किन टाइप और उसकी ज़रूरत के मुताबिक साबुन को सेलेक्ट करने की कभी भी कोशिश नहीं की। उमूमन एक ब्रांड जो आ रहा है, सालों से आ रहा है, वो सालों से ही कंटिन्यू है। और दूसरी बात ये कि हमने सोप को परचेज़ करते हुए कभी भी इसकी टाइप को नहीं देखा कि ये किस टाइप की स्किन के लिए है। तो फिर क्या ऐसा ना करें कि इन सोप्स को अपनी स्किन टाइप के मुताबिक हम खुद प्रिपेयर करें, घर में प्रिपेयर करें? लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए बस कुछ चीज़ें दरकार हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि किस चीज़ का रेशो हम कितना यूज़ करें। जी तो फ्रेंड्स, घर में साबुन बनाना इंतहाई आसान है और उसके लिए हमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है वो है सोप बेस। सोप बेस क्या होती है? सोप बेस बेसिकली सोप ही होती है, लेकिन जो मैंने आपको ये वाली सोप्स दिखाई इनमें खुशबू भी है, कलर भी है और शेप भी है। लेकिन ये जो सोप बेस है जो क्रिस्टल क्लियर है और नॉन केमिकल है, इसको जो है वो ट्रांसपेरेंट सोप बेस कहते हैं और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये कहाँ से मिलेगी ये मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोप वाली ही हैं, मतलब ये झाग भी बहुत अच्छा बनाएगी और ये हमारे फेस को और हैंड्स को बहुत अच्छा वॉश भी करेगी। लेकिन इसमें ना तो फ्रेग्रेंस है और ना ही इसमें कलर है, ना ही इसके कोई शेप है। जब ये आप मार्केट में परचेज़ करने जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से 3 तरह की सोप बेस होंगी और शॉपकीपर भी आपसे पूछेगा कि आपको कौन सी सोप बेस रिक्वायर्ड है। इसमें एक शिया सोप बेस आती है और इसके अलावा एक जो है वो गोट मिल्क सोप बेस होती है, ग्लिसरीन सोप बेस होती है। जो गोट मिल्क होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, जिस तरह हमारा खोए का कलर होता है, लेकिन जो क्रिस्टल क्लियर होती है वो ये वाली सोप बेस होती है। तो सोप बेस के बगैर आप सोप मेकिंग घर में नहीं कर सकते, ये आपको लाजमी चाहिए होगा। अच्छा, ये कहाँ से अवेलेबल होगा? ये केमिकल के जितने भी शॉप्स हैं, आप जिस इलाके में भी रहते हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ पर केमिकल की जहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, स्कूल कॉलेजेस के केमिकल्स जहाँ से मिलते हैं, वहाँ से आप ये सोप बेस आसानी से ले सकते हैं। ये इस वक्त जो आप ये बार देख रहे हैं ये 1 kg का है और ये 600 का यहाँ कराची में अवेलेबल है। ये वेरी कर सकता है, डिफरेंट मार्केट्स में ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये 600 से 800 तक आपको इजीली मिल जाएगा। अगर ये मार्केट में आपको ना मिले तो फिर आप इसको दराज से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और अगर आपको दराज से ऑनलाइन मंगवाना नहीं आता तो फिर मैं अगली आने वाली वीडियो में इसकी भी एक टेक्निक बताऊँगी कि अगर आपके पास सोप बेस अवेलेबल ना हो तो फिर आप घर में सोप मेकिंग कैसे करेंगे। चलिए जनाब, सोप बेस के बाद हमें इसमें कलर डालना है, और कलर कौन सा होता है, कैसा होता है, अभी मैं आपके लिए जब वीडियो बना रही थी तो इन्हीं कलर्स में से कलर मेरे हाथ पे लग गया जो आपको मेरी सोप बेस पे भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं आपको कलर दिखाती हूँ। सोप मेकिंग के जो कलर हैं वो इस तरह की बॉटल्स में अवेलेबल होते हैं और ये 250 से 300 तक की रेंज में एक कलर इजीली मिल जाता है। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको, जैसे ये पिंक कलर था जो मैंने कुछ देर पहले खोला था, आप इसको देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जिस तरह के हमारे दुपट्टों पर करने वाले डाइज होते हैं। लेकिन दुपट्टों पर करने वाले डाइज को कभी सोप मेकिंग के लिए यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उनमें केमिकल्स बहुत होते हैं जो आपकी स्किन को ख़राब कर देंगे। तो अगर आपके पास ये वाले डाइज सोप मेकिंग के अवेलेबल ना हो तो फिर आपने करना ये है कि जो फूड कलर होते हैं
जो हम अपनी फूड में यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते, हम उनको खा भी रहे होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फूड कलर अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो कलर्स के बाद सोप मेकिंग में हमें फ्रेग्रेंस यूज़ करनी है अपनी पसंद की, कोई सी भी खुशबू। यहाँ पर मार्केट में मुख्तलिफ तरह की खुशबू मौजूद हैं, मोतिया भी है, रोज़ भी है, लेवेंडर भी है। ये मेरे पास यहाँ पर इस वक्त मोतिया है, लेवेंडर मैंने लिया हुआ है। आपको जो खुशबू पसंद है, या जैसे अगर आप रोज़ पेटल से सोप मेकिंग करते हैं, तो फिर आप रोज़ की खुशबू उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसका भी ऑल्टरनेट आपको बता दूं, अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो फिर आप कोई सा भी इत्र भी यूज़ कर सकते हैं। जो इत्र, जो खुशबू आपको पसंद हो, आप सोप मेकिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ग्लैसरीन है, ये ग्लैसरीन अगर हम जो है मॉइस्चराइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोप को थोड़ा ज़्यादा मॉइस्चराइज करना चाहें, तो वहाँ पर हम ग्लैसरीन भी यूज़ कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात हम अपनी सोप में विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, ताकि ये कह लें कि जो साबुन मैं घर में बना रही हूँ वो मज़ीद बेनिफिशियल हो जाए मेरी स्किन के लिए। तो ये तो कुछ बेसिक्स थी जिनके बगैर सोप मेकिंग हम नहीं कर सकते, और आपको सोप मेकिंग घर में करने के लिए ये चीज़ें मस्ट चाहिए होंगी। अब हम अपनी स्किन टाइप के मुताबिक मुख्तलिफ तरह की सोप इस बेस की मदद से तैयार कर सकते हैं। बेस ये होगी, लेकिन अगर आपकी स्किन पर पिंपल हैं तो फिर आप जो है वो नीम के पत्तों की सोप घर में आसानी से अपने लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इन सोप बेस में हम नीम के पत्तों की ऐड करके नीम सोप तैयार कर सकते हैं, हर्बल सोप हो जाएगी, घर में बहुत फ़ायदा देगी। या फिर अगर आपको एलोवेरा की सोप सूट करता है, आपको एलोवेरा, तो आप एलोवेरा की सोप भी तैयार कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त हर्बल सोप है जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। इसके अलावा आप टोमेटो की कर सकते हैं, आप खीरे की बना सकते हैं, और इसी तरह मैंने जो है जब ऑरेंजेस का सीज़न था सर्दियों में, तो मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी ऑरेंज पील पाउडर के बेनिफिट्स पे। तो मैंने ये उस वक्त जो है ये पील पाउडर तैयार किया था ऑरेंज का, तो आप ऑरेंज पील पाउडर की भी तैयार कर सकते हैं सोप बेस की मदद से। तो घर में साबुन बनाने का एक और फ़ायदा ये है कि आप कम रेट में बहुत आसानी से मेडिकेटेड और हर्बल सोप्स अपनी स्किन टाइप के लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यही हर्बल और मेडिकेटेड सोप बस जब बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो आपको बहुत महंगी मिलती। अच्छा फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के लिए यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये जो 1 kg का एक बार है सोप बेस का, इसमें से तकरीबन 10 से 12 सोप्स ईजिली तैयार हो जाती हैं। तो सोप मेकिंग के लिए ये तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। हाँ, इसमें एक चीज़ स्किप हो गई है जो मुझे याद नहीं रहा आपको बताना, और वो है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या है कि सिलिकॉन मोल्ड्स वैसे तो बेस्ट होते हैं, उनमें से इजीली साबुन निकल भी जाती है, लेकिन अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करें। घर में अगर आपके पास कोई कटोरी है, डिज़ाइनिंग वाली कोई कटोरी है, आप उसमें भी साबुन जमा सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप किसी भी बॉटल का कैप भी ले सकते हैं और उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेकिंग करते हैं घर में और आपके पास जो है केक्स के मोल्ड हैं, तो आप उनमें भी साबुन जो है वो बहुत अच्छा सा जमा सकते हैं और अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ये कहाँ से मिलेंगे आपको ये भी पता चल गया है। अब आपने करना ये है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले इन तमाम चीज़ों को अरेंज कर लीजिएगा, ताकि हम मिलके जो है वो सोप मेकिंग की तरफ जाएं। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं पहली वीडियो में कौन सी सोप बनाऊँ, नीम की सोप बनाऊँ, एलोवेरा की सोप बनाऊं, या नीम एलोवेरा की सोप बनाऊं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।